नमस्ते मित्रों, मेरा नाम अश्विनी कुमार पांडे और मैं आप सभी का परिचय हमारी इस श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस महान व्यक्तित्व के बारे में हम जानने वाले हैं, उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य में एक ऐसा नाम है जिन्होंने न सिर्फ एक आदर्श गृहिणी होने का परिचय दिया, अपितु उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया है। उनका योगदान उनके कलम के माध्यम से था। सुभद्रा कुमारी जी का जन्म इलाहाबाद के निहालपुर में 16 अगस्त सन 1904 को हुआ था। उनका जन्म एक जमींदार के घर हुआ था। उनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। उनकी कुल 6 संतानें थीं और जिनमें सुभद्रा कुमारी की 3 बहनें और 2 भाई थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता एक शिक्षा प्रेमी व्यक्ति थे। वे शिक्षा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते थे और यही कारण था कि उन्होंने सुभद्रा कुमारी जी की जो शिक्षा है वह 9वीं क्लास तक करवाई थी। 9वीं कक्षा के बाद उन्हें शिक्षा छोड़नी पड़ी, किंतु कहते हैं ना कि पूत के पांव पाले में ही दिख जाते हैं। यही कारण था कि सन 1913 को ही सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी पहली कविता लिखी, जब वे महज 9 साल की थी। उनकी जो पहली कविता थी वे उस समय प्रयागराज में प्रकाशित होने वाली मर्यादा करके जो एक पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई थी, जो आज सुभद्रा कुमारी के नाम से जाना जाता है। उस रचना के बाद सन 1919 में उनका विवाह खंडवा के एक महान नाटककार जिनका नाम था ठाकुर लक्ष्मण सेन, उनसे हो गया। विवाह के उपरांत सुभद्रा कुमारी चौहान जी खंडवा के रहने लगी और उसके बाद वे जबलपुर चली गई। विवाह के बाद भी उनकी काव्य रचना चलती रही और यही कारण था कि उनकी रचनाओं में उन्होंने 3 कहानी संग्रह लिखे हैं और 2 काव्य संग्रह लिखे हैं। काव्य संग्रहों के नाम हैं मुकुल और तीधारा, और बाकी जो उनकी कहानी संग्रह हैं वे करीब 3 हैं। और उनकी जो पहली कहानी संग्रह थी जिसका नाम था बिखरे मोती, बिखरे मोती में उन्होंने 15 कहानियाँ लिखी हैं और उन 15 कहानियों में होली, एकादशी, अमराई, मंजरी रानी आदि कहानियां शामिल हैं। उनकी जो दूसरी कहानी संग्रह थी उसका नाम था उन्मादिनी, और दूसरी कहानी संग्रह में उन्होंने करीब 9 कथाएं लिखी हैं। उनकी तीसरी और आखिरी जो कहानी संग्रह कही जा सकती है उसका नाम था सीधे साधे चित्र, जिसमें उन्होंने 8 कहानियां लिखी हैं। इस प्रकार उनकी जो कहानी संग्रह में जो भी कहानियां होती थी उनमें उनका स्वभाव, उनकी जीवनी और उनकी सोच साक्षात्कार होती थी। इन सभी काव्य रचनाओं को पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी जी का जीवन कैसा रहा होगा, उनके जीवन में और उनकी विचारधाराओं में किस तरह स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान के लिए उन्हें प्रेरित किया। उनकी प्रसिद्धि का कारण बनी उनकी एक काव्य रचना जिसका नाम था झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो कि उस समय झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई पर आधारित थी। उन्होंने उस काव्य रचना में ये दर्शाया है कि किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ निछावर करके रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह अंग्रेजों का सामना किया था, किस तरह उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर वे लड़ती रही अपनी आखिरी सांस तक। और उनकी इस जीवन गाथा को उन्होंने अपनी उस काव्य रचना में इस तरह तराशा है कि उन्हें पढ़कर ही हम समझ जाते हैं कि उस समय क्या मनोस्थिति रही होगी। उस काव्य रचना में मेरी जो पसंदीदा पंक्तियां हैं कुछ इस प्रकार हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुगड़ी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, घुमी हुई आजादी की कीमत हम सबने पहचानी थी, दूर फिरंगियों को करने की हम सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सन 1921 में गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में उन्हें भी इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया। इन्होंने अपने सारे गहने राष्ट्रहित में दे दिए, इन्होंने विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दिया, उन्होंने अपने कई वर्ष संघर्षों के साथ बिताए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली वे भारत की पहली महिला थी और इस कारण जेल जाने वाली भी वे पहली महिला थी। स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त हो गई, किंतु सन 1948 को 15 फरवरी के दिन एक कार दुर्घटना में उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई।
जिस वक्त उनके मृत्यु हुए उनकी आयु महज 43 साल थी। इस 43 साल के जीवन में उन्होंने जो काव्य रचनाएं की हैं वे सराहनीय हैं। उनके मरणोपरांत उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय तटरक्षा सेना ने एक जहाज का नाम उनके नाम पर रखा है। भारतीय डाकघर ने उनके नाम से 25 पैसे का एक स्टैम्प भी निर्मित किया है। उन्हें बहुत सारे सम्मान पुरस्कार मिले, उन्होंने लाखों का दिल जीता है। उनकी काव्य रचनाएं हमें बताती हैं कि कितना सरल, सहज और कटाक्षपूर्ण जो गलत है सो गलत है, ऐसी भावना रखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन के बारे में दर्शाते हैं। उनके मरणोपरांत उनकी पुत्री सुधा चौहान जी ने उनकी जीवनी पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक वो लिखती है मिला तेज से तेज। यदि उस पुस्तक को हम पढ़ें तो हम जान सकते हैं कि किस तरीके का व्यक्तित्व सुभद्रा कुमारी चौहान जी रखती थी। हम सभी को उनकी काव्य रचनाएं पढ़नी चाहिए क्योंकि उनकी काव्य रचनाएं सराहनीय हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी उनकी काव्य रचनाओं को पढ़ें और हमें बताएं कि आपको उनकी सबसे अच्छी काव्य रचना कौन सी लगती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक सुप्रसिद्ध कविता है जिसका नाम परिचय है। इस कविता में वे लिखती हैं, क्या कहते हो कुछ लिख दूं मैं, ललित कलित कविताएं, चाहो तो चित्रित कर दूं जीवन की करुण कथाएं, सोना कवि हृदय पड़ा है इसमें साहित्य नहीं है, इस लुटे हुए जीवन में अब तो लालित्य नहीं है, मेरे प्राणों का सौदा करती अंतर की ज्वाला, बेसुद सी करती जाती क्षण क्षण वियोग की हाला, नीरस सा हो जाता जाने क्यों मेरा जीवन, भूली भूली सी फिरती लेकर यह खोया सामन, कैसे जीवन की प्याली टूटी मधु रहा न बाकी, कैसे छूट गया अचानक मेरा मतवाला साकी, सुध में मेरे आते ही मेरा छिप गया सुनहला सपना, खो गया कहां पर जाने जीवन का वैभव अपना, क्यों कहते हो लिखने को पढ़ लो आंखों से सहृदय, मेरी सब मौन व्यथाएं मेरी पीड़ा का परिचय। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।